मुन्नी आपा, आपको देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। कहाँ रहती हैं आप, कहाँ गायब रहते हैं ऐसे आप? मैं बस अब तो यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं अमेरिका में रह रही हूँ आजकल, और पिछले 9 साल से। तो क्यों क्यों हमसे क्यों रूठ के चली गई अमेरिका? हम आपसे रूठ के नहीं गए, असल में मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरा बेटा है अभी उधर, वो पढ़ाई कर रहा है, फिर मेरी बेटी वहाँ पढ़ती है माशाल्लाह, फिर बस मौका मिला और चले गए। और मौसीकी तो वहाँ पे जारी है और प्रोग्राम करती रहती हूँ, तकरीबन हर हफ्ते ही वहाँ बिजी रहती हूँ। आप हम पाकिस्तानियों को डिप्राइव करके चली गई उन अमरीकनों को खुश करने के लिए, उनके पास तो पहले ही इतना कुछ है, कमी तो हमारे यहाँ है, सारी कमियाँ तो हमारे यहाँ है। नहीं, सारी कमी तो आप पूरा कर रही हैं। हाय मेरी माशाल्लाह से, शुक्र अल्लाह की नवाजिश, शुक्रिया। पाकिस्तानी को और क्या चाहिए, इतनी अच्छी आर्टिस्ट आप उनको मिली हुई है, वो तो शुक्र अदा करना चाहिए उनको। थैंक यू सो मच। पर मुझे बताइए कि अमेरिका में क्या होने वाला है, हिलरी आने वाली है कि ओबामा छाने वाला है? ये तो देखिए, ये तो वक्त जब आएगा तभी बताएगा। बहरहाल इसके मुताबिक कुछ कह नहीं सकती हूँ, आर्टिस्ट हूँ मैं, पेशेंट गोई नहीं करती हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे अगर वोट देना पड़ा तो मैं तो हिलरी को दूंगी। हिलरी को देंगी ना? जी, जी। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी कि हिलरी को ही देना चाहिए। खैर, मुझे बताइए मुन्नी आपा कि मौसीकी की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरा जो वैसे ताल्लुक है वह है साबिक मशरक़ी पाकिस्तान ढाके से है, और मेरे जो मतलब नाना नानियाँ दादा दादी ये लोग तो खैर मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से थे, और दादा मेरे बास बदेली के थे, दादी मेरी अरब की थी, इराक से थी। तो बहरहाल ये मौसीकी का शौक़ जो है मुझे शुरू में तो नहीं था, जब मैं छोटी सी थी मैं नवा मरसिया पढ़ती थी वहाँ पे ढाका में, बगबाज़ार में मैं मर्दानी मजलिस में नवा मरसिया पढ़ती थी, वहीं से मेरा ये शौक़ परवान चढ़ा। और फिर जब मैं स्कूल में गई तो स्कूल में मैं एक म्यूज़िक का क्लास होता था, वो क्लास मैंने ज्वाइन किया और मैंने उसमें सीखना शुरू किया। फिर वहाँ पे ऐसा होता था ना कि ईस्ट पाकिस्तान एजुकेशन वीक मनाया जाता था हर साल ढाका कॉलेज में, तो जितने भी ईस्ट पाकिस्तान के जितने भी बच्चे जो पढ़ाई में या बोलने में जिस चीज़ पे भी माहिर होते थे उनका सब वहाँ पे कंपटीशन होता था, उनको प्राइज़ मिलती थी। तो मैंने अपने शाहीन स्कूल में जहाँ मैं पढ़ती थी, मैंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कहा था कि सर मैं भी इनमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। कहने का, अच्छा तुम किस किस चीज़ में हिस्सा लोगे? मैंने कहा सर मैं भाटियाली गाना सुनाऊंगी और गज़ल गाऊंगी और नात पढ़ूंगी। तो ये तीनों चीज़ों में मैंने हिस्सा लिया, उस वक्त मैं 7-8 साल की थी और मैं तीनों चीज़ में ही फर्स्ट आई। तो उसके बाद फिर मेरे टीचर ने फिर मेरे अब्बा को बुलाया, बुला के कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा, इसकी आवाज़ और बहुत अच्छा गाती है, तो इसको गाने की तालीम दीजिए, हम तो अपने स्कूल से देंगे लेकिन अपने तौर पर आप कुछ कीजिए। तो थोड़ा से मतलब फैमिली का वो होता है ना कि अब्बा कहते थे नहीं हम लोग सैयद हैं और अच्छा नहीं लगेगा फला, तो उन्होंने कहा कि नहीं ज़रूरी नहीं कि ये गुलकारा बने, ये टीचर भी बन सकती है। और वहाँ के लिए बंगाल का क्योंकि माहौल ऐसा था कि वहाँ ये चीज़ों को ऐब नहीं समझा जाता है, आज भी नहीं। तो मेरे अब्बा ने कहा कि हाँ ये टीचर बन जाएगी फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मुझे फिर अब्बा, एक मेरे उस्ताद जी थे ख्वाजा गुलाम मुस्तफ़ा वारसी, उनके पास सिखाने लेके गए और मैं उनके पास सीखती रही। 5 साल तक वो उस्ताद जी ने मुझे सिखाया और मैं पढ़ती भी रही। फिर कुछ हालात ऐसे ख़राब हो गए कि फिर मैं चिटोगांव चली गई, फिर वहाँ से मैं कराची चली आई और यहीं की होके रह गई। वाह वाह मुन्नी बेगम, अब मुन्नी आपा आपकी बात सुन के मुझे इतनी खुशी हो रही है और मुझे लग ये रहा है कि मैंने सारी ज़िंदगी झकी मारी है, ज़ाया ही की अपनी सारी ज़िंदगी मैंने। आप मुझे बताइए कि आपका नाम मुन्नी कैसे पड़ा? मुन्नी मेरा, मैं बताया ना कि स्कूल में जब मैं पढ़ती थी वही एजुकेशन वीक में जब मैंने हिस्सा लिया, फर्स्ट आई तीनों चीज़ में, तो मेरे प्रिंसिपल साहब ने मेरे अब्बू को बुला के कहा कि ये तुमने इनका क्या नाम रखा हुआ है, नादरा बेगम, इतना भारी सा नाम, इतनी दुबली पत्ती सी छोटी सी, तो उसको मुन्नी बुलाया करें, मुन्नी मुन्नी करके, तो मुन्नी बेगम मेरा नाम रह गया। तो फिर मैं यहाँ 71 में जब कराची में रेडियो पाकिस्तान में गई तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपना नाम चेंज करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं अगर नाम चेंज कीजिएगा तो आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं ऑडिशन तो नहीं दे सकती हूँ, फिर मेरा यही नाम ठीक है। फिर मैं मुन्नी से मुन्नी ही रह गई, आज तक मुन्नी। और बहुत प्यारी है मेरी मुन्नी आपा। बहुत शुक्रिया। आपको दिलचस्पी रही क्रिकेट में कभी? हाँ हाँ, मैं देखने जाती थी, मैं बहुत पसंद करती थी। देखिए वो उस वक्त खैर आज़ादी था, बाल बच्चे नहीं थे, अब तो खैर मौका नहीं मिलता, लेकिन टीवी में बैठ के फिर भी देख लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कई गज़लें इंडिया वालों ने उठाई और उनको कॉपी करके गाने भी बनाए, आपने वो यू पेड एनी रॉयल्टी कुछ आपको उसके लिए, या आपने कभी सोचा कि उनको सू करें या मुकदमा करें? नहीं वो क्योंकि मतलब जैसे एक सावन कुमार टाक, उन्होंने एक फिल्म बनाया था तो मैंने यहाँ पे एक गज़ल गाई थी, वो कहाँ है आप जमाने के बाद आए हैं, मेरे शबाब के जाने के बाद आए हैं, बहुत अच्छी गज़ल शजी साहब की ये लिखी हुई गज़ल और मेरी बनाई हुई धुन थी, तो उनको सावन कुमार टाक को बेइंतहा पसंद आया, उन्होंने अपनी फिल्म ये लता मंगेशकर से गवाया और बहुत अच्छा, मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं गवाऊँ, मैंने कहा ठीक है,
मुझे कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ इस बात पे, बल्कि मेरे लिए खुशी की बात थी कि इतनी बड़ी फनकारा और मेरे कंपोजिशन को गाएंगी। अगर मैं वैसे जाके चाहूँगी तो कभी भी नहीं ऐसा हो सकता था। मुन्नी आपा, आपका बहुत आना जाना रहा हिंदुस्तान में, आपको आपने हिंदुस्तानियों को कैसे पाया और कैसा रिस्पांस रहा हिंदुस्तानियों का आपकी तरफ? बहुत अच्छा, बहुत पसंद करते हैं। और मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान की वाहिद वो फनकारा हूँ कि उनके चार वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट के सामने मैं गा चुकी हूँ। 92 में मैं जब गई थी तो उस वक्त नजमा हितुल्ला जो हैं उनके घर पर प्रोग्राम हुआ था, तो उस पर नरसिम्हा राव थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे और मेरे ख्याल में चंद्रशेखर जी थे। तो ये लोग थे कि कोई एक बन के गए थे, कोई बन के बने हुए थे, कोई बनने वाले थे। और अभी भी 2 साल पहले हम चंडीगढ़ में प्रोग्राम करके आए जहाँ पे सोनिया गांधी जी थी और बहुत सारे उनके वीआईपीज थे। और वो प्रोग्राम हुआ था भूपिंदर सिंह हुडा जो वहाँ के वज़ीर आला है उनके घर में हुआ था। तो फिर वो मुझे दोबारा मुझे बुलाए और उनको बेइंतहा पसंद आया, हर साल मुझे बुलाते हैं। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है, 1 बेटा है मेरा। मेरी एक बेटी अभी अमेरिका में है, एक अभी लाहौर में है, उसका नाम है मुनीबा। वो बेइंतहा आपका प्रोग्राम पसंद करती है। अच्छा। उसकी ख्वाहिश थी कि अम्मा आप बेगम नवाजिश अली के प्रोग्राम पे ज़रूर जाइएगा, तो मैं मुनीबा से कहती थी, मैंने कहा कि अगर मुझे बुलाएंगे मैं ज़रूर जाऊँगी। और ये मेरी आज खुशनसीबी है कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। मेरी जान, और हम बिल्कुल हम तो इस तरह मिली जैसे बिछड़ी हुई 2 बहनें मिलती हैं। और मुनीबा, आज से मैं तुम्हारी मासी हूँ, तुम्हारी खाला, नाजी खाला। नहीं बहन। बहन क्यों? I'm much older जाने। नहीं नहीं। हाय, मुनीबा तो मेरी बच्चों की तरह होगी। आपको बच्चे बनाने का बहुत शौक है। है नहीं ना? अगर अपने होते तो शायद बनाने का शौक ना होता। फिर अगर ये बात है तो फिर चले आपके बच्चे। मुनीबा बहुत पसंद करती है मेरी मीनारा, बेइंतहा पसंद करती है आपको। मीनारा कहाँ है? मीनारा ये अमेरिका में है, शिकागो में। क्या कर रही है? हाँ वो पढ़ रही है। अच्छा, वो उधर मेडिसिन पढ़ रही है। तो इंशाल्लाह कभी ऐसा आपका प्रोग्राम अभी होगा तो मैं अपने सब बच्चों को लेके आऊंगी, अपनी 2 बेटी और बेटे को लेके आऊंगी। बेटा मेरा भी छोटा हाई स्कूल में पढ़ रहा है। अच्छा, मैंने सुना कि आपको खाने बनाने का बहुत शौक है, और मैंने सुना कि आप बड़े उम्दा खाने बनाती हैं, है ना? तो ये शौक और ये टैलेंट कहाँ से आया? ये असल में होता है कि कुदरती तौर पे जो ज़्यादातर मैंने फनकारों को देखा कि बेनते अच्छा खाना बनाते हैं वो। अच्छा, मुझे वैसे भी मतलब जैसे मैं कोई भी चीज़ खाऊं, मैं खा के मुझे पता चल जाता है कि इस पर क्या क्या चीज़ डला है। एक वो होता है ना, छठी सब बता देता है, फिर घर में आके बना के वैसे सबको बुला के बता देती हूँ कि देख लो मैं भूल नहीं जाऊँ, सीख लो। फिर वो सीखे कहती बाजी बहुत मज़ेदार था, और फिर खाते हैं पसंद करते। और अब वो घड़ी आ गई जिसका आप सबको और हमें भी शिद्दत से इंतज़ार था। मेरी मुन्नी आपा हमारे लिए कुछ गाएंगी, और मैं आपसे गुजारिश ही करूंगी मुन्नी आपा कि कुछ ऐसा गाइएगा कि इनका दिल पिघल जाए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि ये आप पे लट्टू हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरी अब की खुशी मेरी खुदकुशी का सबब बन जाएगी। हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया,
अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया, अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया। अब सोचना ये है कि किधर जाना चाहिए, अब सोचना ये है कि किधर जाना चाहिए। नादान जवानी का जमाना गुजर गया, नादान जवानी का जमाना गुजर गया, नादान जवानी का जमाना गुजर गया। अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, अब आ गया।